हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बॉलीवुड न्यूज। दोस्तों, बॉलीवुड के स्टार की बात करें तो अक्षय कुमार सबसे तेज काम करते हैं। साल में उनकी 4 फिल्में लगभग रिलीज हो जाती है। कोरोना वायरस भी ज्यादा देर अक्षय को बांध नहीं पाया और जैसे ही शूटिंग करने के हालात पैदा हुए, अक्षय ने बेल बॉटम फिल्म की शूटिंग निपटा डाली। अक्षय के हाथ में कितनी फिल्में हैं? कोई कहता है 8 तो कोई कहता है 10, लेकिन जो फिल्में अक्षय को लेकर अनाउंस हुई है या रिलीज के लिए तैयार है, आइए जानते हैं उन फिल्मों के बारे में। पहली है सूर्यवंशी। रोहित शेट्टी निर्देशित फिल्म सूर्यवंशी रिलीज के लिए लंबे समय से तैयार है। कोरोना वायरस के कारण ये फिल्म अटकी पड़ी है। फिल्म के निर्माता चाहते हैं कि इसे थिएटर में ही रिलीज किया जाए और वे हालात के सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं। दूसरी है बेल बॉटम। अक्षय कुमार ने बेल बॉटम की शूटिंग पूरी कर डाली है। इंग्लैंड में फिल्म का लंबा शेड्यूल चला। ये फिल्म फिलहाल पोस्ट प्रोडक्शन में है और अगले साल रिलीज होगी। तीसरी है अतरंगी रे। आनंद एल रॉय निर्देशित इस फिल्म में अक्षय के साथ सारा अली खान और धनुष है। इस रोमांटिक ड्रामा को 2021 के वैलेंटाइंस डे पर रिलीज करने का प्लान है, जो शायद ही पूरा हो। चौथी है पृथ्वीराज। इस हिस्टोरिकल एक्शन ड्रामा को चंद्रप्रकाश द्विवेदी बना रहे हैं और ये फिल्म पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित है। फिल्म में संजय दत्त, सोनू सूद, आशुतोष राणा और साक्षी तन्वर जैसे कलाकार हैं। यश राज फिल्म्स की इस फिल्म का बजट करोड़ों रुपए का है और संभवतः ये अगले वर्ष दिवाली पर रिलीज हो। पांचवी है रक्षाबंधन। जिस फिल्म को हाँ कहने में अक्षय ने सबसे कम समय लिया, वो है रक्षाबंधन। 2020 की राखी पर इस फिल्म को अनाउंस किया गया, जो भाई बहन के प्रेम पर आधारित है। अक्षय ने इस फिल्म को अपनी बहन अलका को डेडिकेट किया है। इसे आनंद एल राय निर्देशित करने वाले हैं। छठवीं फिल्म है बच्चन पांडे। कृति सेनन और अक्षय कुमार को लेकर बन रही बच्चन पांडे की शूटिंग अक्षय शुरू करने वाले हैं। ये फिल्म तेजी से बनाई जाएगी, जिसमें अक्षय एक गैंगस्टर के रोल में है। सातवीं है मुदस्सर अजीज की फिल्म। इस फिल्म का ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, केवल चर्चा है। बताया जा रहा है कि हैप्पी भाग जाएगी और पति पत्नी और वो बनाने वाले फिल्म निर्देशक मुदस्सर अजीज की अगली कॉमेडी फिल्म के लिए अक्षय कुमार ने हाँ कह दी है। इसके अलावा फिल्म दुर्गावती अक्षय कुमार निर्माता के रूप में बना रहे हैं। हेरा फेरी 3, राउडी राठौर 2 के बिना ठोस आधार के सिर्फ नाम दौड़ रहे हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल वेब दुनिया हिंदी को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल